आप लोगों को एक ऐसा सम कराऊंगा बेटा जिस सम के अंदर आपके सारी की सारी मेथड्स, मैंने आपको जैसे बताया हुआ बेटा कि गुडविल में पांच मेथड्स हैं, तो आज के लेक्चर में स्टूडेंट्स हम लोग पांचों की पांच मेथड को रिवाइज कर लेंगे। मतलब ऐसी एक भी मेथड आज बाकी नहीं रहेगी कि आपके दिमाग में डाउट रह जाए कि सर इस मेथड को कैसे सॉल्व करना है। हम सारी की सारी मेथड्स एक ही सम के अंदर सारी मेथड्स हम लोग रिवाइज कर लेंगे। फिर मैं क्या करूंगा स्टूडेंट्स, आज आप लोगों को मैं आगे वाले सारे वीडियोस एक साथ आज शेयर कर दूंगा ग्रुप में। टिल फ्राइडे आप लोग इस पूरे चैप्टर को अच्छे से रिवाइज कर लो। मैं टेक्स्ट बुक के सम्स भी आप लोगों को आज भेज दूंगा, वो सारे टेक्स्ट बुक के सम्स आप लोगों को प्रैक्टिस में कंप्लीट कर लेने। फ्राइडे हम लोग सिर्फ इस चैप्टर का डाउट सॉल्यूशन लेंगे, क्योंकि संडे हमारी इस चैप्टर की एग्जाम है, तो फ्राइडे को हम लोग इस पूरे चैप्टर का डाउट सॉल्यूशन ले लेंगे। आपके जहां जहां पे जो जो डाउट्स होंगे ना, वो सारे के सारे डाउट्स मैं फ्राइडे को सॉल्व कर दूंगा। क्लियर हूं मैं स्टूडेंट्स आप लोगों को बेटा? सम शुरू करेंगे स्टूडेंट्स, लिखो बेटा सम, लिखो सम लिखेंगे बेटा सब लोग। राजेश एंड मुकेश, राजेश एंड मुकेश हैव पार्टनरशिप फर्म, राजेश एंड मुकेश हैव पार्टनरशिप फर्म they have provided following informations assets is equal to rupees 10 lakh, liabilities is equal to rupees 3 lakh ERR, expected rate of return is equal to 10%, profit of last 4 years, is 10%. बेटा बोर्ड दिख रहा है ना सबको स्टूडेंट्स अच्छे से? यस सर। यस बेटा, ये प्रॉफिट और ये इयर्स लिख दो बेटा फटाफट, प्रॉफिट एंड इयर्स लिख दो। लिख दिया बेटा सब लोगों ने प्रॉफिट एंड इयर्स स्टूडेंट्स? यस सर। लिखो बेटा, फाइंड आउट नंबर वन, गुडविल बाय टू इयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर टू गुडविल बाय 3 years purchase of average profit method, 3 years purchase of average profit method। सर वेटेड एवरेज नहीं, सॉरी फर्स्ट में एवरेज लिखो है ना बेटा? यस सर। सेकंड में वेटेड एवरेज कर दो। गुडविल बाय 3 years purchase of वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर टू फिर से बोल रहा हूं बेटा, गुडविल बाय 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। नंबर थ्री गुडविल,
सेकंड वाला फिल्टर ले लो ना. गुडविल बाय 3 years परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड. नंबर 3, गुडविल बाय 3 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. गुडविल बाय गुडविल 3 years परचेज से बोलेंगे वापस. गुडविल बाय 3 years परचेज सुपर प्रॉफिट मेथड. नंबर 4, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. 5th नंबर लास्ट, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड. हमें वैसे एग्जाम में एक ही मेथड पूछेंगे ना, ऐसे 5 मेथड तो नहीं. एक ही मेथड स्टूडेंट्स एग्जाम में ये 4 मार्क का सम आता है, कोई भी एक मेथड आती है बेटा. लेकिन मैं चारों में पांचों पांच मेथड क्यों करा रहा हूं बेटा, कि अब तक हम लोगों ने जो भी इस चैप्टर में किया ना वो पूरा रिवाइज हो जाए. तो आप लोगों को बेटा जब मैं आज टेक्स्ट बुक के सम्स दूं तो आपको करने में कोई दिक्कत ना हो, इसलिए मैं आप लोगों को ये पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए इसीलिए सम करा रहा हूं. ठीक है बेटा. अब स्टूडेंट्स यश आया. यश सर. यश फर्स्ट मेथड पढ़ना बेटा, कौन सी मेथड से फाइंड करना. गुडविल बाय 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब स्टूडेंट्स पहली मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड. एकदम आराम से जाएंगे बेटा. एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 स्टेप होते हैं स्टूडेंट्स. सबसे पहला स्टेप नंबर 1 जो होता है एवरेज प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ इयर्स. टोटल प्रॉफिट इन सबको प्लस करेंगे 70,000, 90,000, 1 लाख, 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1, 2, 3, 4. So therefore, average profit, देखो कितना आंसर आ रहा है. 95,000. बेटा डिवाइड करने के बाद बोल रहे हो ना आप लोग. डिवाइड करने के बाद 95,000. स्टूडेंट स्टेप 1 में किसी को भी डाउट हो बेटा फोन अनम्यूट करके मेरे से पूछ सकता है बेटा, फिर मैं आगे बढ़ू. देन स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट मेथड का. यस बेटा. सर पर ये तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट है ना. तो बेटा लिखा हुआ है ना क्लियरली प्रेम, उसमें लिखा है बेटा कि एवरेज प्रॉफिट मेथड, तो अपन को एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाना है. ठीक है बेटा. ओके. नाउ स्टेप नंबर 2 गुडविल. गुडविल की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेज. एवरेज प्रॉफिट 95,000 इनटू यश. फर्स्ट मेथड में कितने इयर्स का परचेज है बेटा. 2 इयर्स. 2 इयर्स. सो इनटू 2 देखो गुडविल का आंसर क्या आ रहा है. 1,90,000. ये हमारा गुडविल आ गया. स्टूडेंट्स फर्स्ट मेथड क्लियर हो गई बेटा सबको. यस सर. चलो कंप्लीट कर दो बेटा फटाफट फर्स्ट मेथड, तो मैं सेकंड मेथड पे जाऊं. आराम से जाएंगे अपन बेटा, पांचों पांच मेथड मस्त रिवाइज कर लेंगे आज. सर. यस बेटा. सर एक्चुअली मैं लेट जॉइन हुई, तो ये कौन सा वाला सम है. ये बेटा मैंने मेरा सम लिखवाया है. ये देखो आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन लिखी हुई दिखेंगी, दिख रही है ना बेटा. हाँ सर. इस मेथड में अपन पांचों, इस सम के अंदर अपन पांचों मेथड कर रहे हैं. ये मैंने फर्स्ट मेथड सिखा दिया बेटा.
ठीक है ना, एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके सर। सर यस बेटा। सर एग्जाम में हमको ऊपर क्वेश्चन में ना दिया हो कि ये कौन सी मेथड से कर रहा है, करना है ऐसा सेम सवा एवरेज प्रॉफिट का, और तो उसमें क्या करने का? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को पहले भी ये चीज क्लियर की हुई है। एक मिनट बेटा, जो लास्ट की तीन मेथड्स हैं प्रेम, इसका मैं आंसर अगर आपको लास्ट में तो चलेगा ना? हाँ सर। ठीक है, वेट करो बेटा, नहीं तो क्या कंफ्यूजन हो जाएगा सबके दिमाग में। सर आप फोटो भेज देंगे? हाँ भेज देता हूँ बेटा, मैं दिख नहीं रहा अच्छे से बोर्ड सर, वो लेफ्ट साइड वाला थोड़ा। अब देखो दिख रहा है अच्छे से? हाँ सर, मतलब दिख तो रहा है लेकिन ठीक है। नो मैम, मैंने भेज दिया है। आ रहा है। हाँ, डोंट वरी, डोंट वरी। शायद सर हमारे ग्रुप में नहीं आया बेटा। एक मिनट, एक मिनट, भेज रहा हूँ, भेज रहा हूँ। एग्जाम का मतलब कैसे लोगे एग्जाम? वो मैं आप लोगों को बता दूंगा बेटा, फ्राइडे पूरा सेटअप। सर मैंने आपसे बात की थी, मैं नहीं दूंगी। चलो बेटा, हाँ हाँ, बाद में कॉल कर लेना आप लोग मेरे को, जो भी हो। बेटा ये कंप्लीट हो जाए तो मुझे बता देना बेटा, तो अपन आगे बढ़े। डन सर। स्टूडेंट सबका कंप्लीट हो गया बेटा? यस सर। चलो देव आए, देव। यस सर। देव सेकंड मेथड पढ़ो ना बेटा। सर गुडविल बाय थ्री इयर्स परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब स्टूडेंट्स हमारी सेकंड मेथड है बेटा, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। अगेन बेटा, इस मेथड के अंदर दो स्टेप है। पहले प्रॉफिट 70,000, 90,000, 1,00,000, 1,20,000। फिर लिखेंगे यहां पे वेट 1, 2, 3, 4। अब यहां पे फाइंड करेंगे टोटल वेटेड प्रॉफिट 70,000 इंटू 1,70,000, 90,000 into 2, 1,80,000, फिर 3,00,000, 1,20,000 into 4 करो बेटा, I think 4,80,000. Yes sir. इन सबका टोटल करो बेटा। 10,30,000. 10,30,000. अब स्टेप नंबर 1, वेटेड एवरेज प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला होती है टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट 10,30,000 डिवाइड बाय टोटल वेट, इसका टोटल करेंगे बेटा 4 और 3, 10 डिवाइड बाय 10, तो देखो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना आया बेटा?
1,30,000 स्टेप नंबर वन सबको क्लियर स्टूडेंट्स सर ये वेटेड प्रॉफिट लिखा है आपने टोटल वेटेड प्रॉफिट उसकी जगह टोटल वेटेड एवरेज प्रॉफिट लिखे तो चलेगा नहीं वेटेड एवरेज तो ये हो जाएगा ना बेटा नहीं वेटेड एवरेज तो ये हो जाएगा ये आप टोटल वेटेड प्रॉफिट या वेटेड प्रॉफिट लिखोगे ठीक है बेटा नाउ स्टेप नंबर टू होता है गुडविल की फॉर्मूला होती है वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू ईयरली परचेज वेटेड एवरेज प्रॉफिट है हमारा 1,03,000 इंटू ईयरली परचेज स्टूडेंट्स पॉइंट नंबर टू कितने इयर्स का परचेज है थ्री इयर्स का परचेज है सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 3,09,000 सम क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स यस सर कंप्लीट करो बेटा सम चलो तो फिर थर्ड मेथड पे जाएं अपन सर ये टेबल हम सबसे स्टार्टिंग में बना दे और बाद में सम सॉल्व करें तो चले हाँ चलेगा ना बेटा ओके बेटा कंप्लीट हो जाए तो बता देना डन सर डन सर बेटा कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स तो थर्ड मेथड पे जाएं यस सर यस सर पार्थ है पार्थ यस सर पार्थ थर्ड मेथड रीड करो बेटा कौन सी करनी है सर गुडविल बाय थ्री इयर्स परचेज और सुपर प्रॉफिट मेथड अब स्टूडेंट्स हमारी जो तीसरी मेथड है बेटा सुपर प्रॉफिट मेथड स्टूडेंट्स सुपर प्रॉफिट मेथड में पांच स्टेप होते हैं सबसे पहला स्टेप नंबर वन जो होता है कैपिटल एम्प्लॉयड की फॉर्मूला होती है असेट्स माइनस लायबिलिटीज क्वेश्चन के हिसाब से स्टूडेंट्स असेट्स है 10,00,000 माइनस लायबिलिटीज है 3,00,000 सो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 7,00,000 स्टेप नंबर वन में किसी को डाउट हो बेटा तो पूछ सकता है स्टूडेंट्स जो भी नए स्टूडेंट्स हैं जो पुराने स्टूडेंट्स हैं जो मेरे साथ 11 से पढ़ रहे हैं उनको तो पता है कि वो लोग फटाफट फोन अनम्यूट करके डाउट पूछ लेंगे लेकिन स्टूडेंट्स जो भी नए बच्चे हैं बेटा मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट करूंगा बिंदास होकर डाउट पूछ लेने का बेटा फोन अनम्यूट कर देने का तुरंत पूछ लेने का सर ये स्टेप पता नहीं चला क्योंकि जब तक बेटा आप लोग डाउट नहीं पूछोगे ना तब तक आप लोगों की एग्जाम में ट्रबल आएगा
क्योंकि एग्जाम जब आप लोग देने बैठेंगे तब आपको ये कंफ्यूजन होगा कि इसका क्या करना है मुझे, तो इसीलिए जो डाउट हो ना इमीडिएटली पूछ लो, फोन अनम्यूट करो, पूछ लो कि सर ये स्टेप पता नहीं चला, एक बार नहीं 5 बार समझाऊंगा बेटा, दिमाग में कोई डाउट क्रिएट नहीं करने का। स्टूडेंट स्टेप नंबर 1 सबको क्लियर बेटा, तो मैं स्टेप 2 पे जाऊं? यस सर। ग्रेट, नाउ स्टूडेंट्स स्टेप नंबर 2 सुपर प्रॉफिट मेथड के हिसाब से होता है एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एक्सपेक्टेड प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू ईआरआर। कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख इंटू एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिटर्न है 10%। सो देयरफॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट इज इक्वल टू 70,000। स्टेप नंबर 2 क्लियर स्टूडेंट्स? यस। ग्रेट। yes, अब स्टूडेंट्स यहां पे जो स्टेप नंबर 3 आता है बेटा, वो स्टेप नंबर 3 आता है एवरेज प्रॉफिट का। बेटा जो मैं स्टेटमेंट बोल रहा हूं इस स्टेप 3 के लिए वो ध्यान से समझना। स्टूडेंट्स ये जो स्टेप 3 है एवरेज प्रॉफिट का, वो दो मेथड से फाइंड आउट होता है, जो हमने पहली और दूसरी मेथड की, या एवरेज प्रॉफिट से या वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। वो डिपेंड करता है आपके प्रॉफिट के ऊपर। अगर आपका प्रॉफिट लगातार इंक्रीज या लगातार डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज से जाएंगे, और अगर आपका प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है बेटा, मतलब ऊपर नीचे हो रहा है, तो पहली मेथड एवरेज प्रॉफिट से जाएंगे। फिर से बोल रहा हूं स्टूडेंट्स, हम जब स्टेप नंबर 3 में एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे तो पहली और दूसरी मेथड के अकॉर्डिंगली। अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज से जाएंगे, और अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है तो हम लोग एवरेज प्रॉफिट मेथड से जाएंगे। यहां पे हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग जाएंगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट से। 70,000 into 1, 70,000, 90,000 into 2, 1,80,000, 1,20,000 into 3, 3,00,000, 1,20,000 into 4, 4,80,000. इसका टोटल 10,30,000, वेट का टोटल 10। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट है बेटा अपना 10,30,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट एट 10। सो देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट आएगा 1,03,000। बेटा स्टेप नंबर 3 क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कोई डाउट बेटा स्टेप 3 में? सर ये टेबल हम पहले ही बना देना चलेगा? हाँ हाँ चलेगा चलेगा। नाउ स्टेप नंबर 4 सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट इनटू एक्सपेक्टेड, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,03,000, एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 70,000। सो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट 33,000। स्टेप नंबर 4 क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? स्टूडेंट स्टेप 4 क्लियर बेटा? यस। नाउ स्टेप नंबर 5 गुडविल। गुडविल की फॉर्मूला क्या होती है बेटा? सुपर प्रॉफिट इनटू ईयरली परचेस। सुपर प्रॉफिट 33,000। स्टूडेंट्स क्वेश्चन में चेक करो ईयरली परचेस कितना है बेटा? 3 इयर्स। सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 99,000। क्लियर बेटा सब लोगों को स्टूडेंट्स? हम थर्ड मेथड क्लियर बेटा सबको? कोई स्टेप पे कंफ्यूजन हो बेटा तो पूछ लो।
क्लियर सर. चलो डन बेटा, मैं फोटो भेज रहा हूँ बेटा इस थर्ड मेथड का. कंप्लीट करो तो फोर्थ मेथड सिखाओ बेटा फिर. स्टूडेंट सम करते हुए भी कोई स्टेप पे पता ना चले ना बेटा तो पूछ लेना मेरे को. बेटा स्टेप थ्री कंप्लीट हो गया बेटा सबको स्टूडेंट्स. यस बेटा, कोई ऐसा जिसका स्टेप थ्री मतलब मेथड थ्री कॉपी करनी बाकी हो बेटा? बाकी है. हाँ नो प्रॉब्लम बेटा, कंप्लीट करो. बेटा हो गई मेथड थ्री कंप्लीट? यस सर. यस सर. चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा मेथड नंबर फोर. अर्शनी मेथड नंबर फोर कौन सी है बेटा, पढ़ो तो. सर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड. अब स्टूडेंट्स फोर्थ मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड.
सर इसको कैपिटलाइज्ड एवरेज कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट मेथड बोलते हैं। एक ही बात है बेटा, वन एंड द सेम थिंग। स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन, यस बेटा सर, फोर्थ और फिफ्थ में ईयरली परचेज मतलब मैंने नहीं होगा, नहीं होगा कभी भी नहीं। कैपिटलाइजेशन वाली मेथड में कभी भी ईयरली परचेज नहीं होगा बेटा। ओके ओके सर। स्टूडेंट्स कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में चार स्टेप है बेटा। सबसे पहला स्टेप कैपिटल एम्प्लॉयड, फॉर्मूला वही हमारी, असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स 10 लाख माइनस लायबिलिटीज 3 लाख, देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 7 लाख। बेटा स्टेप नंबर वन क्लियर स्टूडेंट्स? यस सर। यस। स्टेप नंबर टू, स्टेप नंबर टू आता है स्टूडेंट्स एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट में बेटा मैंने आपको जैसे प्रीवियस मेथड सुपर प्रॉफिट में मैंने आपको एक चीज बताई कि एवरेज प्रॉफिट दो अलग अलग मेथड से फाइंड आउट होता है, या वेटेड एवरेज से या सिंपल एवरेज से। हमारा प्रॉफिट यहाँ पे कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग वेटेड एवरेज मेथड से जाएंगे। 70,000 इंटू 1, 90,000 इंटू 2, 1 लाख इंटू 3 and 1,20,000 into 4. इन सबका टोटल करो बेटा 10,30,000 और इसका टोटल 10. तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट है 10,30,000 डिवाइडेड बाय टोटल वेट है 10, सो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमको मिलेगा 1,03,000। स्टेप नंबर टू क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस। स्टेप नंबर थ्री, यहां पे स्टेप नंबर थ्री चेंज हो जाएगा, जो आएगा कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट उसकी फॉर्मूला होती है एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर इनटू 100। स्टूडेंट स्टेप टू स्टेप ही समझाएगा, एक भी स्टेप ऊपर नीचे नहीं होने वाला कभी भी। ये चीज आप लोगों को दिमाग में बिठा के रखनी है बेटा। एवरेज प्रॉफिट हम लोगों ने फाइंड किया 1,03,000 अपॉन ईआरआर 10 इनटू 100, सो देयरफॉर कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट कितना आंसर आ रहा है बेटा? देखो कैपिटल 10,30,000, ये स्टेप नंबर थ्री का आंसर मिला। अब कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड में स्टेप नंबर फोर आता है गुडविल, जिसकी फॉर्मूला होती है कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट है मेरा 10,30,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख, सो देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू 10,30,000 माइनस 7 लाख करो बेटा 3,30,000 ये हमारा गुडविल आएगा बेटा। फोर्थ मेथड क्लियर सबको स्टूडेंट्स? यस सर। कहीं पे कोई, कहीं पे कोई स्टेप में डाउट बेटा किसी को भी? ओके कंप्लीट करो बेटा, तो फिर लास्ट फिफ्थ मेथड सिखाऊं। आप फोटो भेजो ना।
सर सर बोलो बेटा, इसमें फोर स्टेप ही होंगे और सेकंड स्टेप में ये वाला होगा एवरेज फाइंड करना है कि वेट। यस बेटा, मेथड टू मेथड चेंज हो जाएगा ना बेटा, हमको मेथड टू मेथड अपन को याद रखना है। सर एग्जाम की डिटेल्स कब दोगे आप? फ्राइडे फ्राइडे बेटा, फ्राइडे मैंने बोला ना बताऊंगा कि कैसे एग्जाम लेंगे बेटा अपन। ओके सर, आपको सब समझा दूंगा, डोंट वरी बेटा। Done, sir. सबका कंप्लीट हो गया? Yes, sir. चलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जाएंगे लास्ट मेथड पे। मेथड नंबर 5। जील फिफ्थ मेथड कौन सी है बेटा? यस सर, गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड में 5 स्टेप। स्टेप नंबर 1, कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसकी फॉर्मूला असेट्स माइनस लायबिलिटीज, असेट्स 10 लाख, लायबिलिटीज 3 लाख, सो देयरफॉर कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू 7 लाख। स्टेप नंबर 1 क्लियर स्टूडेंट्स? यस। नाउ स्टेप टू आता है हमारा एक्सपेक्टेड प्रॉफिट, उसकी फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू ईआरआर, कैपिटल एम्प्लॉयड 7 लाख, ईआरआर 10%, देयरफॉर एक्सपेक्टेड प्रॉफिट is equal to 70,000. Step number 2 clear students? Yes sir. Step number 3. अपना step number 3 आता है average profit. अब फिर से question ये कि अगर average profit find करना है बेटा तो कौन सी method से? Weighted average से या simple average से? Answer वही students.
अगर आपका प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा है या कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट से जाना है। अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लॉस हो रहा है, तो हमको सिंपल एवरेज मेथड से जाना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स प्रॉफिट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, तो वेटेड एवरेज 70,000 × 1 70,000, 90,000 × 2 180,000, 1,00,000 × 3 300,000, and 1,20,000 × 4 480,000। इसका टोटल करेंगे बेटा 10,30,000 और वेट का टोटल 10। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। टोटल वेटेड प्रॉफिट है 10,30,000 डिवाइडेड बाय 10, सो देयरफॉर वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू 1,03,000। स्टेप थ्री क्लियर बेटा सबको स्टूडेंट्स? यस सर। स्टेप नंबर फोर, सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट की फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,03,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 70,000, सो देयरफॉर सुपर प्रॉफिट इज इक्वल टू 33,000। नाउ स्टेप नंबर फाइव, गुडविल। गुडविल की फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट अपॉन ईआरआर इनटू 100। सुपर प्रॉफिट 33,000 अपॉन ईआरआर 10 इनटू 100, देयरफॉर गुडविल इज इक्वल टू, देखो 30,000। स्टूडेंट फिफ्थ मेथड क्लियर बेटा सबको? यस सर। कोई डाउट फिफ्थ मेथड का बेटा? फोर्थ और फिफ्थ स्टेप फिर से बताओगे? फोर्थ स्टेप सुपर प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट 1,03,000 माइनस एक्सपेक्टेड प्रॉफिट 70,000, तो सुपर प्रॉफिट आया 33,000। फिर गुडविल कैसे मिलेगा? सुपर प्रॉफिट अपॉन ईआरआर इनटू 100, सुपर प्रॉफिट 33,000 अपॉन ईआरआर 10 इनटू 100, तो गुडविल आएगा 3,30,000। स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम में मेथड आपको लिखी हुई होगी, मेथड नंबर थ्री सुपर प्रॉफिट, मेथड नंबर फोर कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, मेथड नंबर फाइव कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, ये तीनों मेथड हमेशा लिखी हुई होंगी। लेकिन स्टूडेंट्स कभी कभी जो मेथड नंबर वन एंड मेथड नंबर टू है वो लिखा हुआ नहीं होता है, तो उसका मैंने आपको सिंपल लॉजिक बताया। अगर उन्होंने हमको क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि फाइंड आउट गुडविल बाय थ्री इयर्स परचेज ऑफ प्रॉपर सॉरी फाइंड आउट गुडविल बाय थ्री इयर्स एवरेज प्रॉफिट ऑफ एप्रोप्रिएट मेथड, तो एप्रोप्रिएट मेथड में अपन को दो चीजें देखनी है। अगर हमारा प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो वेटेड एवरेज मेथड जाएगी, अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट कर रहा है तो सिंपल एवरेज जो हमारी मेथड नंबर वन थी उससे हम लोग गुडविल फाइंड आउट करेंगे। Am I clear to everyone? Yes, बेटा। सर तो अगर हमको ऐसा बोला हो एग्जाम में कि क्वेश्चन में ही दे दिया हो कि एवरेज प्रॉफिट से फाइंड करो और वो फ्लक्चुएट नहीं हो रहा हो टेबल में, तो अगर उन्होंने क्लियर बोला है बेटा मेथड में कि फाइंड आउट एवरेज प्रॉफिट या वेटेड एवरेज, तो आपको उसी मेथड से करना है। लेकिन अगर उन्होंने बोला है कि एप्रोप्रिएट मेथड, तो एप्रोप्रिएट मेथड में आपको दो चीजें देखनी है, प्रॉफिट कंटिन्यूअसली इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है तो वेटेड एवरेज, अगर प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है तो सिंपल एवरेज। ओके ओके बेटा। ओके सर, और सर ऐसा भी पूछ ले कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट वो क्वेश्चन में लिख दे
और सर वो दे हमको टेबल फ्लक्चुएट वाला, तो कुछ भी अगर बेटा मैंने क्या बोला, अगर उन्होंने मेथड स्पेसिफाई की है तो हमको उसी मेथड से जाना है। ओके ठीक है बेटा। स्टूडेंट्स अभी भी किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हैं। बिंदास बेटा अच्छा स्टूडेंट्स आप लोगों में से किसके किसके पास टेक्स्ट बुक अवेलेबल नहीं है? मेरे पास सर, 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 मेरे पास। ओहो हो, इतने सारे लोगों के पास अवेलेबल नहीं है। नहीं रही है। ठीक सर, आउट ऑफ स्टॉक है सारी जगह। नहीं नो प्रॉब्लम बेटा, तो मैं आप लोगों क्या करता हूँ, आज इसका पीडीएफ बना के आप लोगों को मैं भेज देता हूँ। जो जो सम्स हैं उनका मैं पूरा आपको पीडीएफ बना के भेज देता हूँ बेटा, ठीक है ना? पर सर आपने टेक्स्ट बुक भेजी तो है अंदर ग्रुप में पीडीएफ के फॉर्म में। पकड़ा वो क्या पूरी टेक्स्ट बुक है? पूरी टेक्स्ट बुक तुम लोग कहाँ डाउनलोड करने बैठोगे? पूरी टेक्स्ट बुक कहाँ डाउनलोड करने बैठोगे? तो मैं इस चैप्टर का आपको पीडीएफ बना के आज रात को मैं भेज दूंगा बेटा, है ना? तो आराम से आप लोग उसके समझ कर लेना। सर वो लास्ट लेक्चर में आपने होमवर्क दिया सर, उसके आंसर। हाँ डिस्कस कर लेते हैं बेटा, अभी ये कंप्लीट कर लो फिर उसके आंसर डिस्कस कर लेते हैं। डन सर। डन सर। डन सर। हाँ बेटा नो प्रॉब्लम, जिसका बाकी है कंप्लीट कर लो बेटा। सर होमवर्क भेज देना। होमवर्क कौन सा वाला यश? मतलब कौन सा होमवर्क करने का टेक्स्ट बुक में से? हाँ मैं भेज दूंगा बेटा सारा, आज रात को अपडेट कर दूंगा ग्रुप में। बेटा ये सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। यस सर। अब बेटा अपना जो होमवर्क में बेटा कौन सा क्वेश्चन दिया था होमवर्क में? 17, 18, 19। ओके 17, 18, 19। यश 17 का आंसर बोल ना यश। हाँ सर एक मिनट। मतलब 12,03,333। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर करेक्ट है? यस सर। सर ये राउंड ऑफ हुआ है तो कैसे होगा? मुझे नहीं आता राउंड ऑफ। एक मिनट आपका आंसर क्या आ रहा है फ्रेंड? सर मेरा लास्ट में 4 आ रहा है, 3 की जगह मैंने 4 लगा। वो चलेगा बेटा। एक्चुअली क्या है देखो मैं आपको बताऊं उसका लॉजिक क्या होता है। इसके बाद है ना 0.333333 आता है, तो ये पॉइंट के बाद है ना अगर 0.5 से वैल्यू कम होती है ना बेटा तो इसको एज इट इज रहने देना होता है। ओके और अगर 0.5 के ऊपर जाए ना तो अपन यहाँ पे 34 बनेंगे। ठीक है बेटा। ओके देन यश 18 का आंसर बोलिए बेटा। 3,10,000। My students, 18 का answer 3,10,000 आ रहा है सबका बेटा? Yes sir. Yes sir. Yes sir. Great. And 19 का बेटा? 2,66,667. 2,66,667. बेटा आ रहा है सबका 17, 18, 19 का answer? Yes sir. Yes sir. सच्ची yes, बोला ना, कोई झूठ नहीं बोला ना? नहीं नहीं sir. No sir. हाँ. तुमको तुम्हारे पड़ोसी की कसम है अगर झूठ बोला है तो। अच्छा बेटा ये वाला बोर्ड वाला सम कंप्लीट हो गया सबका स्टूडेंट्स? यस सर। यस सर। अब स्टूडेंट्स टेक्स्ट बुक के अंदर देयर आर 9 एग्जांपल्स स्टूडेंट्स, 9 एग्जांपल्स हैं और पीछे एक्सरसाइज में 9, 10, 11, 12, 9 सम्स हैं। 9 एग्जांपल्स, 9 सम्स, मतलब टोटल 18 सम्स हैं। ये मैं आज रात को आप लोगों को 9 बजे से पहले पहले पीडीएफ बना के भेज दूंगा ग्रुप में। ये आप लोगों को स्टूडेंट्स फ्राइडे तक कंप्लीट कर लेने हैं।
फ्राइडे हम लोग इन 18 सम्स के जितने भी आपके डाउट्स होंगे वो सारे अपन फ्राइडे को डाउट्स सॉल्व कर लेंगे, ताकि संडे की एग्जाम में आपको ऐसा ना हो कि सर मुझे ये पता नहीं चल रहा है, मुझे ये पता नहीं चल रहा है, आपके दिमाग में कोई भी डाउट रहना नहीं चाहिए। एम आई क्लियर टू एवरीवन स्टूडेंट्स? यस सर। बेटा आज की हम लोगों ने जो 5 मेथड डिस्कस की, 2 मिनट में उन 5 मेथड को एक बार फटाफट देख लो बेटा, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो, अगर कुछ डाउट हो तो पूछ लो बेटा। सर यस बेटा यस अंशुल यस अंशुल यस अंशुल सर मुझे मेथड नंबर 4 का स्टेप नंबर 3 और 4 नहीं पता चला। मेथड नंबर कौन सी फोर का? 4 का, एक सेकंड बेटा। मेथड नंबर फोर हाँ, उसमें कौन सा स्टेप नहीं पता चला बेटा? 3 थर्ड स्टेप है बेटा, कैपिटलाइज्ड प्रॉफिट, जिसकी फॉर्मूला है एवरेज प्रॉफिट अपॉन ईआरआर इनटू 100। अब आपका एवरेज प्रॉफिट देखो बेटा, स्टेप 2 के हिसाब से 103,000 अपॉन ईआरआर 10 दिया हुआ है क्वेश्चन में इनटू 100, तो आएगा 10,30,000। ओके। एंड देन स्टेप नंबर 4 गुडविल, उसकी फॉर्मूला कैपिटलाइज प्रॉफिट माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटलाइज प्रॉफिट आपका 10,30,000 माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड आपका 7,00,000, तो 10,30,000 माइनस 7,00,000 3,30,000। ठीक है बेटा? यस यस। और किसी को कोई डाउट स्टूडेंट्स? यस सर, मेरा 18 और 19 का आंसर नहीं आ रहा। 18 और 19 का आंसर नहीं आ रहा है, एक मिनट देख लेते हैं। सर आप एक बार किसी से कहोगे कि 1 से 19 सारे बेस? ऐसा थोड़ी होता है बेटा, फिर तो कॉपी कर लोगे आप, खुद करो आपका जो आंसर होमवर्क तो की आंसर, जिसका आंसर नहीं आता है वो अब मेरे को पूछ लो बेटा। अच्छा 18 में कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है। अंशुल स्टेप नंबर 1 11,00,000। अंशुल स्टेप नंबर 1 11,00,000, उसके बाद स्टेप नंबर 2 11,00,000 इनटू 10% मतलब 1,10,000। यस सर आ रहा है। फिर उसके बाद वेटेड एवरेज प्रॉफिट से सम करेंगे तो 1,00,000 इनटू 1,00,000, 1,25,000 इनटू 2 2,50,000, 1,40,000 इनटू 3 4,20,000 एंड 1,60,000 इनटू 4 6,40,000। बराबर? नहीं सर, यहाँ पे मेरी गलती हुई, 1,40,000 ठीक है। अब 19 में देख लो बेटा, 19 में आपका स्टेप 1 9,00,000, उसके बाद स्टेप नंबर 2 है आपका 1,08,000, यस सर, उसके बाद स्टेप नंबर 3 है आपका 1,00,000 इनटू 1 1,40,000 इनटू 2 1,00,000, नहीं ये एवरेज प्रॉफिट से जाएगा बेटा, क्योंकि प्रॉफिट फ्लक्चुएट हो रहा है। अंशुल आपने वेटेड एवरेज से तो नहीं किया ना? सर मैंने उससे करा है। हाँ देखो बेटा, 1,00,000 1,40,000 फिर 1,30,000 हो गया बेटा, प्रॉफिट डिक्रीज हो गया। तो हम लोग कौन सी मेथड से जाएंगे? एवरेज प्रॉफिट मेथड से। एवरेज प्रॉफिट मेथड। ठीक है बेटा। ओके ओके। सर हमने 5 मेथड की, बस सबका आंसर क्यों अलग अलग आ रहा है? जैसे जैसे मेथड चेंज होगी उसके हिसाब से आंसर अलग अलग ना बेटा। किसी मेथड में हम लोग असेट्स लायबिलिटीज को वेटेज देते हैं, किसी मेथड में हम लोग प्रॉफिट को वेटेज देते हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज होता जाएगा ना बेटा। सर ये डे टू डे लाइफ में यूज कैसे हो? बेटा जब कोई बिजनेस बेचता है ना, जैसे मैंने आप लोगों को पहले लेक्चर में बताया था बेटा कि जैसे आइडिया ने अपना बिजनेस वोडाफोन को बेचा, तो वो इन 5 में से कोई एक मेथड फिक्स करेंगे भाई, हम लोग किस मेथड से हमारा गुडविल कैलकुलेट करें, मतलब दोनों कंपनी डिसाइड करेगी। हाँ, दोनों कंपनी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से डिसाइड करेगी कि इन 5 में से हमको कौन सी मेथड से गुडविल को कैलकुलेट करना है। सर सबसे अच्छी कौन सी है?
वो डिपेंड करता है, पांचवी मेथड अच्छी है बेटा, ऐसा अच्छा तो कुछ नहीं कह सकते। सुपर प्रॉफिट ही अच्छे हैं सर, उसमें सबसे ज्यादा ऐसा नहीं बेटा, वो देखो ये जज करना डिफिकल्ट है। अगर एक ही मेथड अच्छी होती बेटा तो फिर अकाउंट्स में बाकी चार मेथड क्यों होती। पांचवी मेथड अच्छी है बेटा, दैट डिपेंड्स कि कौन सी कंपनी कौन सी मेथड से जाना चाहती है। सर गुडविल कंपनी के लिए एसेट है या लायबिलिटी? एसेट है बेटा, एसेट है ऑलवेज। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आपके जो भी डाउट्स हैं वो अपन फ्राइडे डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपके दूसरे लेक्चर का टाइम हो रहा है। फ्राइडे मिलते हैं स्टूडेंट्स, बाय बाय। बाय सर। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। बाय बेटा।